हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मंगल कुशल होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पावन धरती के बारे में एक एक बात बताने वाला हूँ, जहाँ विष्णु जी के 22वें अवतार कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। मैं आपको मथुरा वृंदावन के बारे में सभी जानकारी दूंगा, कहाँ से आप जा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, लगभग कितना खर्चा आता है। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में मथुरा वृंदावन से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में हमसे जानकारी ज़रूर लें। मथुरा वृंदावन हिंदू सभी भक्तगणों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमि माना जाता है। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी के कई मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों की भव्यता अलग ही है। इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ कैसे पहुँचे? अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा दिल्ली पड़ता है। दिल्ली से बड़े आसानी से आपको ट्रेन या टैक्सी बड़े आसानी से मिल जाएगी। अगर आप रेल माध्यम से मथुरा पहुंचना चाहते हैं, यहाँ से दो स्टेशन पड़ते हैं, मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट। आपके स्थान से जो भी पास पड़े आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। वैसे यहाँ से अधिकतर ट्रेनों की आगमन होती है। ट्रेन का किराया दिल्ली से मथुरा तक मात्र 160 रुपये में पड़ता है। यदि आप रोड मार्ग से जाते हैं तो मात्र आप 2 घंटे में अपनी यात्रा दिल्ली से मथुरा पूरी कर सकते हैं। यहाँ का रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे काफ़ी सुंदर यात्रा मार्ग बना हुआ है। अगर आप अपनी निजी कार से जाना चाहते हैं तो ये भी उत्तम सुविधा है। यदि आप एसी बस से जाना चाहते हैं तो मात्र उसका किराया 700 रुपये होता है और प्राइवेट बस सरकारी बस मात्र किराया 300 रुपये होता है। कहाँ रुके? मथुरा में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको छोटे बड़े धर्मशाला काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे काफ़ी कम कीमत में। धर्मशाला की भी काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं और यहाँ रुकने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। यदि आप प्राइवेट होटल करना चाहते हैं तो ये 800 रुपये तक आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप इन बातों का ध्यान दें, जब भी आप होटल बुक करें तो आप ऑटो रिक्शा के माध्यम से ना जाएं, उनका उसमें कमीशन जुड़ा होता है। 800 का होटल 1500 में भी मिल सकता है। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो खुद ही होटल ढूँढ लें, या आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान दें, आप सुबह जल्दी मथुरा पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ मंदिर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बंद होते हैं। कहाँ कहाँ घूमें? प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, गोकुल की गलियाँ, बरसाना, ये आप